हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। सो आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपका कोई गला पकड़ के ऐसे दीवार में दबा देता है इस तरीके से, तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले टेक्निक में आपको क्या करना है, सिंपली अगर आपको कोई गला पकड़ता है ऐसे, सबसे पहले आपको अपने हाथ सीधा एनिमी के फेस पर अटैक करना है इस तरीके से। ऐसे सीधा उसके चिन पे कर सकते हैं पुश पीछे, या फिर उसके आप कान पे स्लैप कर सकते हैं दोनों हाथों से, सिंपल ऐसे, ठीक है। या फिर उसको दोनों हाथ से उसके आंख पे पुश करके उसको ऐसे पीछे, इसे आप उसको पीछे ढके सकते हैं। सेकेंड टेक्निक में देखिए, अगर आपको कोई गला ऐसे पकड़ता है तो सबसे पहले क्या करना है, अपने एक हाथ को ऐसे बिल्कुल ऊपर उठाना है, ऐसे जोर से, इस तरीके से बहुत स्पीड से उठाना है ताकि एनिमी का हाथ छूट जाए। फिर से देखिए, ऐसे बिल्कुल स्पीड के साथ ऐसे ऊपर उठाना है, और फिर सीधा वहीं से हाथ जो उठाया ऊपर, उसी से एनिमी के हाथ पर अटैक करना है। इस तरीके से ऐसे अटैक करना है, एनिमी का हाथ बेंड होगा, उसके बाद फिर दूसरे हाथ से एनिमी का हाथ पकड़ना है और इस हाथ को उधर टर्न करना है, और ऐसे एनिमी का हाथ पीछे साइड ऐसे मोड़ देना है, एनिमी का हाथ से बेंड हो जाएगा तो आपको वहीं से फिर भाग जाना है। फिर से देखिए, ऐसे कोई पकड़ा, सबसे पहले हाथ अपना ऊपर की तरफ उठाना है ऐसे, फिर उसके बाद फिर यही सीधा एनिमी के हाथ पर अटैक करना है, हाथ बेंड होगा एनिमी का, उसके बाद फिर सीधा उसको दूसरे हाथ से हाथ पकड़ना है और फिर एनिमी का हाथ ऐसे पीछे की तरफ बेंड करना है ऐसे, इस तरीके से। थर्ड टेक्निक में देखिए, अगर आपको कोई गला ऐसे पकड़ता है तो सबसे पहले आपको अपना दोनों हाथ ऊपर बिल्कुल जोर से ऐसे उठाना है ऐसे, ताकि एनिमी का हाथ छूट जाए। फिर से देखिए, ऐसे बिल्कुल स्पीड के साथ ऊपर उठाना है, उसके बाद फिर सीधा यहीं से एनिमी का गला इस हाथ से पकड़ना है इस तरीके से, ठीक है। और फिर जो हाथ दूसरा खाली है उससे एक हाथ से एनिमी का हाथ पकड़ना है और सीधा उसके दीवार में से लड़ा जाना है इस तरीके से, ठीक है। और फिर से देखिए, ऐसे कोई गला पकड़ा, सबसे पहले ऊपर अपने हाथ जो दोनों ऊपर उठा रहा है जोर से, और फिर एक से गला पकड़ रहा है और एक से हाथ, और फिर सीधा दीवार में उसको ऐसे लड़ा दी,